और दोस्तों अभी के टाइम पे फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल चल रहा है और आप लोग इस सेल के अंदर एक बढ़िया सा स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो 23,000 के अंदर, और अभी के टाइम पे 23,000 के अंदर बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैंने टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोनों को सिलेक्ट किया है जिसे आप लोग इस सेल के अंदर 23,000 के अंदर परचेस कर पाओगे। और दोस्तों ये सिर्फ स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल तक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, टॉप रोइंग लेवल का कैमरा दिया गया है, कैप डिस्प्ले के साथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और प्रीमियम डिजाइन देखने को मिल जाएगा, और बाकी सारे स्पेसिफिकेशन टॉप रोइंग लेवल का दिया गया है। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे आता है Redmi Note 13 Pro। 25,000 के अंदर Redmi की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो Redmi Note 13 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 nitpick brightness मिल जाता है। HDR 10+ का सपोर्ट, Dolby Vision का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है ये स्मार्टफोन में। और परफॉर्मेंस की बात करें तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 7s Gen 2 का चिपसेट मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 6 lakh के आसपास एंड्रॉइड को निकल के आता है। 10 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.6 स्टोरेज टाइप मिल जाता है। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल जाएगा। कैमरा का बात करें तो स्मार्टफोन का पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 200 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, 8 megapixel का अल्ट्रा हाइट और 2 megapixel मैक्रो, उसके साथ 16 megapixel का सेल्फी कैमरा दिया गया है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाता है। 5100mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 पे आएगा, MIUI 14 पे बेस्ड है। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। IP54 का वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाता है। Dolby Atmos की तरफ से डुअल स्क्रीन स्पीकर मिल जाता है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन का प्राइस के बाद के जो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट लगे 23,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 4 पे आता है Realme 12 Pro। 25,000 के अंदर कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला एक टॉप नॉच लेवल का कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो डेफिनेटली Realme 12 Pro की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.7 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व OLED डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 950 nitpick brightness मिल जाता है। HDR 10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया गया है। और परफॉर्मेंस की बात किया तो Qualcomm की तरफ से Snapdragon 6 Gen 1 का प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड है। 5,70,000 के आसपास एंड्रॉइड को निकल के आता है। 9 5G का सपोर्ट दिया गया है और LPDDR4X रैम मिल जाता है। UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अच्छा गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और कैमरा का बात किया तो पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी IMX 882 सेंसर के साथ। 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड, 32 megapixel का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, उसके साथ 16 megapixel का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और गाइस 25,000 के अंदर ये स्मार्टफोन को छोड़ के और कोई भी स्मार्टफोन में आप लोगों को टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है। और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। 0-50% चार्ज 19 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। रियलमी UI पे बेस्ड है। स्मार्टफोन में TDO स्पीकर देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइनर बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन का प्राइस के बात की तो 8GB रैम 128GB वाला वेरिएंट डिस्काउंट लगे 23,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 3 पे आता है Nothing Phone 2A। 25,000 के अंदर Nothing की तरफ से एक जबरदस्त लेवल का स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो Nothing Phone 2A की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। ये स्मार्टफोन का पीछे आप लोगों को हॉरिजॉन्टल डिजाइन देखने को मिल जाएगा इस बार। और ये स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50 megapixel का प्राइमरी कैमरा मिल जाएगा OIS के साथ और 50 megapixel का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा। 32 megapixel सेल्फी कैमरा दिया गया है। और ये स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पे रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा ही देखने को मिलेगा। और परफॉर्मेंस की बात किया तो MediaTek की तरफ से Dimensity 7200 का प्रो प्रोसेसर मिल जाएगा जो 4 nanometer फैब्रिकेशन पे बेस्ड होगा। 7 lakh के आसपास एंड्रॉइड को निकल के आ जाएगा। 13 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन में परफॉर्मेंस आप लोगों को बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाएगा। और डिस्प्ले की बात की तो 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि सपोर्ट करेगा 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 nitpick brightness, 240Hz का ट्रांसमिट रेट, HDR 10+ का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट दिया जाएगा। और ये स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगा 45W फास्ट चार्जिंग के साथ। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ आएगा। Nothing OS पे बेस्ड होगा। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन का पीछे आप लोगों को लाइट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक डिजाइन बिल्कुल बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा।
स्टॉक एंड्रॉइड के साथ क्लीन यूआई एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और स्मार्टफोन का प्राइस की बात की तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट आगे 23,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर टू पे आता है OnePlus Note CE 4 25,000 के अंदर OnePlus का बैंड हेलो के साथ पावरफुल लेवल का परफॉर्मेंस टॉप नॉइज लेवल का कैमरे के साथ आने वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप लोग डेफिनेटली OnePlus Note CE 4 की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। और दोस्तों ये स्मार्टफोन में 6.7 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ। और फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 120Hz फास्ट रिफ्रेश के साथ। और ये स्मार्टफोन में 2160Hz का PWA डिमिंग मिल जाता है। 1100 nitpick brightness HDR 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही बढ़िया देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस की बात की जाए तो क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो 4nm फैब्रिकेशन में बेस्ड है। 850,000 के आसपास एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। और ये स्मार्टफोन में मिड रेंज फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। LPDDR4X रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिल जाएगा ये स्मार्टफोन में। और कैमरा का बात की जाए तो स्मार्टफोन का पीछे डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है सोनी LYT 600 सेंसर के साथ। और 8MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। उसके साथ 16MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 5500mAh की बैटरी मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 100W फास्ट चार्जिंग को 0 to 100% चार्ज 30 मिनट में करके देगा। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। ऑक्सीजन OS 14 पे बेस्ड है। 2 साल का OS अपडेट 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक्स डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस की बात की जाए तो 8GB रैम 128GB वेरिएंट डिस्काउंट आगे 23,000 के अंदर मिल जाएगा। नंबर 1 पे आता है पोको X6 Pro 25,000 के अंदर। एक अल्टीमेट लेवल का अल्ट्रा फ्लैगशिप गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हो तो ये स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन के बारे में। 6.67 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि सपोर्ट करता है 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को। 1800 nitpick brightness HDR 10 प्लस का सपोर्ट Dolby Vision का सपोर्ट और 12-bit डिस्प्ले दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। और परफॉर्मेंस की बात की MediaTek की तरफ से Dimensity 8300 का अल्ट्रा चिपसेट देखने को मिलता है जो 4nm आर्किटेक्चर में बेस्ड है। 1.4 मिलियन के ऊपर एंड्रॉइड स्कोर निकल के आता है। 14 5G का सपोर्ट दिया गया है। LPDDR5X रैम UFS 4.0 स्टोरेज टाइप दिया गया है। ये स्मार्टफोन में अल्ट्रा फ्लैगशिप लेवल का गेमिंग परफॉर्मेंस मिल जाएगा। आज चलिए कैमरा का बात कर लेते हैं। पीछे ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। 64MP का प्राइमरी कैमरा मिल जाता है OIS के साथ। 8MP का अल्ट्रा वाइड 2MP मैक्रो और 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। स्मार्टफोन का मेन कैमरा से 4K वीडियो 30fps पर रिकॉर्डिंग कर पाओगे। कैमरा क्वालिटी प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा देखने को मिल जाता है। और 5000mAh की बैटरी दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है 67W फास्ट चार्जिंग को। स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 पे आएगा। हाइपर OS पे बेस्ड है। 3 साल का OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दिया गया है। केमिकल कूलिंग चैम्बर मिल जाएगा। आयर ब्लास्टर NFC का सपोर्ट दिया गया है। स्मार्टफोन का ओवरऑल लुक्स डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। और प्राइस के बाद की जो 8GB रैम 256GB वेरिएंट डिस्काउंट आगे 23,000 के अंदर मिल जाएगा।